हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज देखिए हम क्या बनाना बता रहे हैं। आज हम क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा ब्रेड का क्या कहते हैं नाश्ता लेकर आए हैं। इवनिंग स्नैक्स भी है, मॉर्निंग में भी आप बढ़िया सा ब्रेकफास्ट इससे कर सकते हैं। हेल्दी भी है और झटपट ये बन जाता है। तो बढ़िया सा आज हम ब्रेड टोस्ट बनाएंगे बहुत ही अलग तरीके से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने दूध लिया है इतना। हम केवल यहाँ पर जैसे अभी हमने 6 ब्रेड ली हैं, तो 6 ब्रेड ना करके हम 4 ब्रेड केवल लेंगे। केवल 4 ब्रेड से ही हम आपको बनाना बताएंगे। तो यहाँ देखिए, हमने लिया है दूध। अब ये दूध क्या है ना, हमारे पास दूध था नहीं और इस टोस्ट में दूध लगता है। तो हमारे पास मिल्क पाउडर था, तो हमने मिल्क पाउडर को ना इस तरह से बढ़िया से उबाल लिया है। उबालने के बाद हमने इसे ठंडा कर लिया है। तो ये हमारा हो गया बढ़िया सा दूध का जुगाड़। तो ये हमारा हो गया दूध। और क्या कहते हैं, ये हो गई हमारी मीठा होने भर की चीनी और इलायची। तो ये चीनी और इलायची अब इसको पीसना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो पाउडर है वो हमारे पास रेडी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सी जार में इसको अब झटपट हम पीस लेते हैं। तो जिससे हमारी चीनी भी पीस जाएगी और इलायची का पाउडर भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब इसको हम झटपट पीस लेते हैं। अब ये देखिए, हम इसको पीस कर ले आए हैं, लेकिन अभी इसमें पाउडर जो है ना वो उड़ रही है, जो चीनी पीस गई है। तो अभी इसको 3-4 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये देखिए, हमारी चीनी जो है इस तरह से हमारी पिस गई है। तो अब इसको हम अपने इसी दूध में डाल देंगे। हमने जैसे यहाँ पर इलायची लिया है, आप दालचीनी ले लेंगे तो एक और अच्छा सा टेस्ट जो है आपको मिलेगा। दालचीनी का फ्लेवर इस रेसिपी में ना बहुत गजब का काम करता है। तो आप इलायची की जगह आप दालचीनी पीस कर डाल कर देखिएगा, वो भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब चीनी जो है वो हम इसमें अच्छे से डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें ना चीनी हल्की रखिएगा मीठी, क्योंकि बहुत मीठे टोस्ट हो जाते हैं ना तो वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमने चीनी इसमें हल्की मिलाई है, क्योंकि ब्रेड में भी हल्का मीठापन होता है। और इसमें हम शहद का इस्तेमाल भी बाद में करेंगे और केले का इस्तेमाल भी करेंगे। तो सारी चीज़ें लगभग मीठी मीठी सी हैं, तो चीनी आप बहुत कम डालिएगा जिस हिसाब से हमने डाली है। अब ये देखिए, दूध जो है ये हमारा रेडी हो गया है। ये पिस गई है, लेकिन इसके छिलके केवल बचे हैं इसमें। अब इसके छिलके छिलके बचे हैं, तो छिलके अब ये हम क्या करते हैं ना, निकाल लेंगे, क्योंकि अब ये किसी काम के नहीं है। अभी एक छिलका और दिख रहा है कहीं। अब चलिए, अब आगे की भी तैयारी कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं कि हमको इसमें ब्रेड जो है ना डिप करनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा बड़ा चौड़े मुंह वाला बर्तन आप ले लीजिएगा और इसको इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ ले लेंगे एक इस तरह का कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा पकाने के लिए ब्रेड। अब इसको हम गैस को जो है ऑन करते हैं। और इसमें अब डाल देंगे थोड़ा सा बटर। बटर से क्या है ना, टेस्ट ज्यादा अच्छा सा आता है। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बटर से आप बनाएंगे तो आपको टेस्टी ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा बटर जो है वो अभी इसमें हमने डाल दिया है। बटर अच्छे से हमने देखी इसमें मिला लिया है, अच्छे से पूरे तवे में लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक यहाँ से ब्रेड उठाएंगे और ये जो हमने दूध तैयार किया था ना,
इस दूध में हम इस तरह से झटपट से इसको ऐसे करके डाल देंगे, इस तरह से। बहुत इसको डब नहीं करनी है, एक अच्छा सा देखिए इस तरह से, मतलब गीली हो जाए अच्छे से, और इसको झटपट इसमें डाल दीजिए इस तरह से। फिर ये हम ले लेंगे एक ब्रेड, और इस तरह से आप करते जाइएगा, इसमें छोड़िएगा नहीं ब्रेड को। अगर ब्रेड छोड़ देते हैं इसी में दूध के अंदर, तो ब्रेड क्या है ना, फिर टूटने लगती है। और ये देखिए, इसके लिए ना थोड़ा सा मोटी वाली आप ब्रेड लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छी सी बनकर तैयार होती है। अब आहिस्ता से हमने इसमें दो ब्रेड डाल दिया है। गैस आप धीमी रखिएगा, धीमी आंच पर ही इनको अच्छे से गोल्डन होने दीजिए कलर में। अच्छे से इसको हम पकाते धीमे धीमे, बहुत तेज आंच कर देंगे ना तो ये जल जाएंगे और टेस्ट मज़ेदार नहीं लगता है, और दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो अच्छे से इनको धीरे धीरे सिकने देते हैं। जब तक हमारी ब्रेड सिक रही हैं, हम यहाँ पर ना केले भी कट कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा आज का टोस्ट होने वाला है, बहुत टेस्टी लगता है, हेल्दी भी है और झटपट बन जाता है। तो केले को सबसे पहले इसका ऊपर का छिलका हम हटा लेते हैं, और अच्छा अच्छा हिस्सा हम केवल यूज करेंगे। बहुत गला केला इसमें मत लीजिएगा, जैसे बहुत गले गले केले हो जाते हैं ना, तो बस वो वाला मत लीजिएगा। थोड़ा सा अच्छा सा पका हो बस वो लीजिएगा, क्योंकि अभी इनको भी हम कैरमलाइज्ड करेंगे बढ़िया सा चीनी के उसमें, तो फिर क्या है ना, फिर दिक्कत हो जाती है अगर ये क्या कहते हैं बहुत ही पके पके से हों। अब इनको देखिए थोड़ा सा छिलका लग गया इसमें, तो कालापन इसमें आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से बहुत मोटी पीसेस नहीं करनी है, बस इस तरह की आपको पीसेस कर लेनी है। चार ब्रेड के हिसाब से भी है तो फिर इसमें एक केला पर्याप्त रहता है। तो ये देखिए, ये जो हमारे केले हैं ये कट के इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब थोड़ी देर इसमें हो गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, धीरे से पलट लेते हैं। ये देखिए, बहुत आहिस्ता से पलटिएगा इसमें ना, इस तरह के टोस्ट में ना मोटी ब्रेड ही इस्तेमाल करिएगा, तो वो क्या है ना, टूटती नहीं है, और ये अच्छे से जो टोस्ट है हमारे ये रेडी हो जाते हैं। जब थोड़ा सा पक जाए तब इसको आप उठाकर इस तरह से डाल दीजिए। बस धीमी आंच पे इनको थोड़ी देर हम और पका लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये देखिए हमारी दूसरी साइड की भी ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए दोनों ब्रेड हमारी अच्छे से सिक गई हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, एक हम प्लेट में जो है वो हम निकाल लेते हैं, और जो बची हुई ब्रेड है उनको भी हम पका लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से सिक गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और बटर, और ये एक चम्मच छोटा वाला इसमें हम डाल देते हैं चीनी। गैस को अभी आपको धीमी रखनी है, बहुत तेज गैस नहीं करनी है। इसमें अगर आप पिसी चीनी लेंगे तो जल्दी से ये मिल जाती है। चीनी हल्की हल्की ब्राउन हो गई है, तो अब ये जो केले थे ये हम इसमें डाल देंगे। गैस को आपको धीमा रखना है, गैस को तेज नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता से इनको इस तरह से मिला मिला के इनको चलाते रहिएगा। अब इनको पलटते भी रहिए इस तरह से मिला मिला ऐसे एक साथ ऐसे।
अच्छे से चीनी इसमें मिला लीजिए, चीनी और बटर। आपको ऐसा लगता है कि इसमें चीनी के दाने मुंह में ना आए तो इसमें आप पिसी चीनी का इस्तेमाल करिएगा। हमको इस तरह के दाने अच्छे लगते हैं चीनी के, तो हमने क्या कहते हैं खड़ी चीनी डाली थी। अब देखिए थोड़े थोड़े अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इनको हम क्या करेंगे, गैस को करते हैं बंद। और ये जो हमने केले इस तरह से रेडी किए हैं, ये इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देते हैं। इससे लुक भी अच्छा आ जाता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। बहुत नहीं, 4-5 पीस इस तरह से आप डाल दीजिएगा। इस तरह से हमारी जो क्या कहते हैं केले और ब्रेड हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा डालते हैं अब लेंगे थोड़ा सा शहद, और शहद जो है वो इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सा जो टोस्ट है ये हमारा बढ़िया सा रेडी हो गया है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और झटपट भी ये बन भी गया है। तो जो मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी सी है। तो आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलती हैं एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ।